बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, आप सबको मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। ईद के दिन चल रहे हैं, ईद की रेसिपीज़ हैं, तो मैं दो दिन बहुत मसरूफ़ रही। ईद के पहले दिन तो मैंने ईद व्लॉग जो था वो अपलोड कर दिया था, लेकिन दो दिन उसके बाद जो है वो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, क्योंकि आप सब भी बहुत मसरूफ़ थे। आप जानते हैं क्या होती है मसरूफ़ीत, आना जाना और मेहमानदारी, तो इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो सकी। लेकिन आज जो है ईद का चौथा दिन है, ईद ही है, तो आज मैं बना रही हूँ भुना हुआ मटन। तो बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, अक्सर फरमाइश आती है, ज़रूर ज़रूर आपने ट्राई करना है, बहुत झटपट तैयार होने वाली है। तो मेरे पास है मटन, मैंने इसको धोकर खुश्क कर लिया था, यानी पानी सारा निचोड़ दिया था, और यहाँ पर जो है हड्डी वाला मटन है मेरे पास, आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये मैंने डाला है इसको कुकर में, बहुत आसान तरीके से बनाऊँगी और बहुत मज़े का बनेगा। दो अदर टमाटर लिए हैं, इसको मैंने काट लिया है, एक अदर दरमियाने साइज़ की प्याज रफली काट ली है, आधी गट्ठी मैंने लहसुन की छील ली है। ये तमाम चीज़ें ये देखें, ये मैं साफ कर लेती हूँ अभी, क्योंकि आप लोगों को डिस्टर्बेंस होती है आवाज़ से, ये मैंने शामिल कर दी। साथ साथ रहिएगा वीडियो को, प्लीज़ एंड तक देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। ये नमक है एक चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर एक चाय का चम्मच, आप अपनी मर्ज़ी से नमक और मिर्च ले सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें भी मैंने इसमें शामिल कर दी। इसमें डालूंगी एक कप पानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक कप पानी डाल दिया और कुकर को मैं बंद कर दूंगी। मटन है तो इसको 12 मिनट लगेंगे तकरीबन, तो मैं 12 मिनट के लिए कुकर को बंद करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ध्यान से देखिएगा उसके बाद मैंने क्या करना है इस रेसिपी के साथ, और बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है, क्या क्या चीज़ें मज़ीद शामिल करूँगी, तो प्लीज़ आपने साथ रहना है। तो मिलते हैं 12 मिनट के बाद जी। तो तकरीबन 12 मिनट के बाद कुकर खोला है हमने, गोश्त हमारा अच्छा सा गल चुका है और बस थोड़ा सा इसमें पानी है, तो अभी हम इसमें घी शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन आधी प्याली मैं इसमें घी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि कुर्बानी के गोश्त में वैसे ही घी होता है ज़्यादा। तो यहाँ पर कुछ मसाले ऐड करेंगे, धनिया है कुटा हुआ, धनिया मैंने भून के कूट लिया है एक चाय का चम्मच भर के, धड़ा मिर्च है, इसका टच है बहुत ज़बरदस्त, फ्लेवर लेकर आएगी, खुशबू लेकर आएगी, लुक लेकर आएगी, एक चाय का चम्मच। और ये मैंने घर में सुखाई हैं मिर्चें। ज़ीरा है आधी चाय का चम्मच, और यहाँ पर मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर एक चाय का चम्मच। तो ये तमाम चीज़ें मैंने शामिल कर दी, ठीक है जी। और अभी मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, इसको भूनेंगे, लेकिन इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन आधा कप दही शामिल करूँगी, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त लुक आएगा इसका, और ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी, बहुत शानदार, आपको बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी जब आप बनाएंगे इसको। तो ये देखें बड़ा क्रीमी क्रीमी सा लुक आएगा इसका, टच आएगा, जायका इसका बहुत अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। तो अब हम इसको फ्लेम को हाई कर इससे भुनाई कर लेते हैं बहुत अच्छी सी, और साथ साथ रहिएगा, आगे भी मैं आपको बताऊँगी कि हमने मज़ीद क्या करना है। देखें जी, अच्छी सी भुनाई इसकी हो गई है, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे गर्म मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला है इसमें थोड़ा सा शामिल कर रही हूँ, ये देखें, ठीक है। और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ हरा धनिया, और हरी मिर्चें कटी हुई, और इसको मैं मिक्स कर देती हूँ, और दो मिनट दम पर रखने के बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ, कहीं मत जाइएगा, साथ साथ रहिएगा। लीजिए जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा भुना गोश्त तैयार हो गया है, आपने देखा ना, कोई टाइम लगा ना कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स लगे, और इतनी मज़ेदार डिश हमारी तैयार हो चुकी है। तो आज की रेसिपी के लिए लाइक ज़रूर कर दें, और नए आने वाले प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इस डिश को बनाएँ और इन्जॉय करें, ईद के दिन है, गोश्त की रेसिपीज़ बन रही हैं, मेहमान आ रहे हैं, आप मेहमान बन के जा रहे हैं, तो ज़रूर ज़रूर आपने ये डिश बनानी है, मेहमानों की आमद पर ज़रूर आपकी तारीफ़ें होंगी। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।